ए श्याम, ये भी राजू ये भी राजू, लेकिन दोनों नकली राजू है रे, नकली है तो फिर दोनों। ओरिजिनल किधर मिलेगा? अरे अरे ओरिजिनल आइडिया नहीं मिलता तो ओरिजिनल आदमी कहाँ से मिलेगा। लेकिन बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा बाबा। पहला पैसा का हेरा फेरी, फिर ड्रग्स और बंदूक का हेरा फेरी, लेकिन ये टाइम ये जो राजू का हेरा फेरी होने वाला है, जो बहुत मजा आने वाला है। पक्का ना? पक्का ना? पक्का पक्का, ये बाबूराव गणपतराव आपटे का प्रॉमिस है। बाबू भैया राजू और शाम की टिकड़ी ने दर्शकों को इतना हंसाया है कि अब अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल के बिना फैंस किसी और को फिल्म में सोच ही नहीं सकते। जब से खबर आई कि हेरा फेरी 3 में कार्तिक आर्यन की एंट्री हुई है, तब से फैंस को डर सताने लगा कि कहीं कार्तिक ने फिल्म में अक्षय कुमार को रिप्लेस तो नहीं कर दिया है। अक्षय सर नहीं है, कौन बोला आपको? आपको इतना खबर? हेरा फेरी 3 बनेगी नहीं, अक्षय नहीं है तो फिर हेरा फेरी कैसे हुई? नहीं हो सकती, विदाउट अक्षय हो नहीं सकती। हेरा फेरी 3 बन ही नहीं सकती अक्षय के सिवा। वेली डर तब और बढ़ गया जब अक्षय ने खुद खुलासा किया कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा किस लिए नहीं है। एक इंटरव्यू में अक्षय ने बताया, हेरा फेरी 3 मेरा एक हिस्सा रही है, अन्य लोगों की तरह मेरी भी इससे जुड़ी अच्छी यादें हैं। मुझे भी दुख होता है कि इतने सालों में तीसरा पार्ट नहीं बनाया गया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमें चीजों को अब ढाना होगा, तोड़ना होगा। जब ये फिल्म मुझे ऑफर की गई थी तब मैं इसकी स्क्रिप्ट से संतुष्ट नहीं था, मुझे वो पसंद नहीं आई थी। मुझे अब वह करना है जो लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने फिल्म छोड़ दी। अक्षय के स्टेटमेंट के बाद जब कार्तिक आर्यन ने ये क्लियर किया कि वो हेरा फेरी 3 का हिस्सा है पर उन्होंने अक्षय को रिप्लेस नहीं किया है, तो फैंस और कंफ्यूज हो गए। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि हेरा फेरी 3 को लेकर क्या हेरा फेरी चल रही है। फिर इस पूरे मामले पर सुनील शेट्टी ने भी चुप्पी तोड़ी। क्या कहा सुनील ने, आप खुद ही देख लीजिए। मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है, हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं। तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई। तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पता, नहीं मुझे जेन्युइनली नहीं पता। और 20 तारीख के बाद जाऊँगा, बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है। तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में? मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो, लेकिन हेरा फेरी बने जरूर। सुनील के ऐसे मजेदार स्टेटमेंट के बाद फिर फिल्म के बाबू भैया ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर चुप्पी तोड़ी। एक्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, कई एक्टर्स क्रिएटिव डिसीजन से खुद को पीछे रखते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से मेकर्स पर ही निर्भर रहता है। ऑडियंस को कुछ नया हेरा फेरी 3 में चाहिए, मेकर्स का निर्णय है कि वो इस फिल्म के जरिए किसे वापस लेकर आना चाहते हैं। प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर के ऊपर होता है कि वो कमर्शियल सेंस के बेसिस पर किसे फिल्म ऑफर करते हैं। मैं वैसे इस बारे में नहीं सोचता हूँ, केवल अपने क्राफ्ट पर फोकस करने पर यकीन रखता हूँ। फिल्म में कौन है कौन नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको याद दिला दें कि साल 2015 में हेरा फेरी 3 का लॉन्च हुआ था, जिसमें जॉन इब्राहिम और अभिषेक बच्चन को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस दौरान परेश रावल ने अक्षय कुमार के रिप्लेसमेंट की बात की थी। रिप्लेसमेंट वाली बात नहीं है, ये कहानी ऐसी है, प्लॉट ऐसा है कि जो सिर्फ अक्षय के बगैर ही हो सकती है। बिकॉज कहानी ओरिजिनल राजू को, जो लास्ट में डायलॉग भी है कि जो इस बार जो ओरिजिनल राजू की जो हेरा फेरी है वो प्लॉट है। एंड दूसरी बात ये होती है कि किसी भी कलाकार के साथ आप काम करते हैं इतने सालों से, इतनी फिल्मों में, तो ऑफकोर्स आप मिस करते हैं, सिंपल सी बात है, दैट्स इट। वैसे देखा जाए तो अक्षय कुमार का हेरा फेरी 3 में होने की बात फैंस पचा नहीं पा रहे हैं। अब इस कंट्रोवर्सी में क्या नया देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वेल, क्या आप कार्तिक आर्यन को अक्षय कुमार की जगह देखना पसंद करेंगे? क्या अक्षय के बिना ये फिल्म अधूरी है? क्या राय है आपकी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर? कमेंट कीजिए और बॉलीवुड नाउ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।